In this video lecture, I am going to discuss about the acid etch technique. What is the acid etch technique? It is one of the most effective way of improving the bond and marginal seal between resins and enamels. It means जो resin और enamels है उसके बीच में इसका bonding को ज़्यादा improve करता है acid etch technique by the etching of enamel. Okay? मोड ऑफ एक्शन कैसे है? इट क्रिएट माइक्रोपोरोसिटीज बाय डिस्क्रिएट ईच ऑफ द इनामेल रोड सेंटर पेरीफल या बोथ इनामेल रोड सेंटर को इनामेल रोड के सेंटर पे या पेरीफल या दोनों जगह पर क्या करता है ईच करके माइक्रोपोरोसिटीज क्रिएट करता है और माइक्रोपोरोसिटी क्रिएट होगा तो क्या होगा बॉन्डिंग इम्प्रूव होगा उसके बीच में रेजिन और इनामेल के बीच में इचिंग इंक्रीज द सर्फेस एरिया ओके इचिंग इंक्रीज हैज हाई सरफेस एनर्जी द रेजिन टू वेट द टूथ सरफेस बेटर एंड पेनिट्रेट इनटू द माइक्रोपोरोसिटी व्हेन पॉलीमराइज इट फॉर्म्स रेजिन टैग्स मे पेनिट्रेट 10 to 20 माइक्रोएम इन इनामेल पोरोसिटी ओके इट कैन जब पॉलीमराइजेशन होगा ये फॉर्म करेगा रेजिन टैग ठीक है जो से 10 to 20 माइक्रोएम इनामेल में पेनिट्रेट रहेगा वो एसिड जो यूज करते हैं वो होता 37% फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं इचिंग के लिए ठीक है एंड जो डायग्राम के अनुसार हम क्या है ये रेजिन टैग उसके बारे में हम देख रहे हैं अभी तो रेजिन टैग पर इच किए हम ये इनामेल था और इनामेल पर हम इचिंग किए इसके बाद हम रेजिन टैग यहाँ पर फॉर्म होता है ओके ये कंपोजिट रेस्टोरेशन दिखा रहा है ये रेजिन है ये रेजिन टैग फॉर्म हुआ जिस पे एक बॉन्डिंग बनता है इसके बीच में ठीक है उसके बाद है टाइप ऑफ एजेंट लिक्विड एजेंट और जेल एजेंट अब लिक्विड एजेंट क्या है लिक्विड एजेंट जो है ना उसका यूज करते हैं हम लाल सरफेस एरिया पर ठीक है लाल सरफेस एरिया ऑफ इनामेल सच एज फॉर बेंडिंग या सिलनेट के लिए यूज करते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेटर्स किस किस चीज़ से हम लिक्विड एजेंट को मतलब इस पर एप्लीकेट करते हैं लगाते हैं अप्लाई करते हैं स्मॉल कॉटन प्लेट्स एंड द फोम स्पॉन्ज एंड ब्रशेस ओके जनरली अप्लाई द एसिड टू द एप्रोप्रिएट इनामेल सरफेस टू बी रिस्टोर्ड कीपिंग द एक्सेस टू ए मैक्सिमम ऑफ 0.5 mm पास्ट द एंटीसेप्टेड एक्सटेंट ऑफ द रेस्टोरेशन इट्स मीन डैट देखो जो हम एसिड अप्लाई कर रहे हैं ना वो इनामेल पर 0.5 mm तक ही हमको करना है मैक्सिमम उससे ज़्यादा हमें एक्सेस नहीं करना है उस पर नोट द पेनिट्रेशन इन्वॉल्विंग द प्रॉक्सिमल एरिया ए पॉलिस्ट्रेज स्ट्रिप इज प्लेस्ड बिफोर एसिड इच टू प्रिवेंट द इचिंग ऑफ द एडजेसेंट टूथ देखो पॉलिस्ट्रेज स्ट्रिप हम प्लेस कर देंगे जब हम प्रॉक्सिमल एरिया में हम इच कर रहे हैं जिसके वजह से क्या होगा ना जो हमारा एडजेसेंट का टीथ है उस पर इचेंट नहीं लगेगा एसिड इचेंट नहीं जाएगा और वो इच्ड नहीं हो जाएगा ओके टूथ द एप्लीकेशन ऑफ एसिड इज रिपीटेड एवरी 10 to 15 सेकेंड टू कीप द एरिया मोस्ट फॉर 30 सेकेंड जो एसिड जो यूज कर रहे हैं ना वो रिपीटली हम 10 से 15 सेकेंड में रिपीट करेंगे मोस्ट एरिया कीप द एरिया मोस्ट फॉर 30 सेकेंड के लिए फिर उसके बाद क्या करेंगे द एसिड इज रेंज ऑफ द थ्रूली विद ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉर 10 to 15 सेकेंड आफ्टर द इचिंग द टूथ देखो फिर क्या करेंगे ना हम वॉश कर देंगे उसको एक हल्का सा मतलब गर्म पानी स्ट्रीम ऑफ द वाटर लेंगे 15 से 20 सेकेंड के लिए हम उसको जो टूथ पे इचिंग किए थे उसको धो देंगे ठीक है नाउ द टूथ सरफेस इज ड्राइड विथ क्लीन एयर फॉर 20 सेकेंड टूथ सरके उसके बाद टूथ सरफेस जो था उसको हम ड्राई करेंगे करीब 20 सेकेंड के लिए टेक्निक एप्लीकेशन ऑफ द जेल एजेंट अब जेल एजेंट पाते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ए जेल एजेंट ए ब्रश पेपर पॉइंट इंस्ट्रूमेंट या शार्पली एरिया यूज टू प्लेस द एजेंट ऑन ऑर टू द प्रिपेयर्ड इनामेल ओके लीव द सरफेस अनटच फॉर 30 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन एजेंट रेंज फॉर 20 to 30 सेकेंड विथ वाटर देन ड्राई द टूथ सरफेस ओके
जेल जो इचेंट है ना, उसको हम ब्रश पेपर पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स या शार्पी या कुछ भी हो उससे हम लगा देंगे जो हम इनामेल पर, प्रीपेड इनामेल पर। उसके बाद क्या करेंगे, हम 30 सेकेंड के लिए उसे छोड़ देंगे वहाँ पर। ओके, उसके बाद हम 20 से 30 सेकेंड के लिए हम उसको धोएंगे वाटर के साथ, फिर ड्राई करेंगे टू सरफेस को। बस यही है इस वीडियो हम इतना तक इचन के बारे में बताएंगे। आगे के वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।